अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली देखी जा रही है। ये तब्दीली महज पाकिस्तान तक महदूद नहीं, खत्ते में होने वाली तब्दीलियां हैं जिसके असरात पाकिस्तान भी देख रहा है। तीन रोज़ पहले पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 6 पाकिस्तानी फौजी जवान शहीद हुए, उन्होंने जाम शहादत नोश किया। और इसके बाद अब जब एक बड़ी तब्दीली हो रही है, क्वेटा के कोर कमांडर के तौर पर जनरल आसिफ गफूर साहब को तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब माजी में DGISPR के अहदे पर भी रहे और काफी ज्यादा मकबूलियत उन्होंने हासिल की। और खास तौर पर कहा जाए कि एज ISPR प्लेटफॉर्म उन्होंने जिस अंदाज से, जिस बखूबी अंदाज से, जिस स्किलफुल वे में उन्होंने उसको यूटिलाइज किया पाकिस्तान के बेहतरी के लिए, पाकिस्तान का पैगाम इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया तक पहुंचाने के लिए, वो यकीन तौर पर दीदनी है। ये तब्दीलियां हो रही हैं और साथ में कुछ हमारे पड़ोसी ममालिक में जो सिचुएशन है वो तब्दील हो रही है। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। जरा इनसे जानते हैं कि ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और ये जो कुछ हो रहा है, ये आखिर क्या है और उसके बारे में वो क्या समझ रहे हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कल एक बड़ी तब्दीली देखी गई, एक बड़ा चेंज देखा गया, एक बड़ी अपॉइंटमेंट थी बलूचिस्तान के एतबार से। हाउ डू यू सी बलूचिस्तान के जो कोर कमांडर के जो अपॉइंटमेंट होती है, वो कितनी अहम होती है? देखें, इसमें दो तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। बलूचिस्तान इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस फॉर पाकिस्तान, नंबर वन। फिर वहाँ की काफ़ी इंप्लिकेशन हैं, आपने अगर देखें तो सबसे बड़ा सूबा है, लैंड मैस के हिसाब से वो बहुत बड़ा है और उसके साथ इस वक्त और बहुत ही मल्टी कैरियर प्रॉब्लम चल रही है। इधर अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, जहाँ तक CPP की काफ़ी इंटरप्रेशन होती है और वो हम फेंसिंग कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर प्रॉब्लम चलती है। ईरान बॉर्डर पर बल्स तरफ लगता है, आप मोस्टी का एरिया में पहले प्रॉब्लम मिलती, वहाँ की भी एक प्रॉब्लम है। फिर वहाँ पर जो एक दो परसेंट हमारे बलोच भाई जो नाराज़ हैं, वो इंसर्जेंट मूवमेंट एक्टिविटीज भी करती हैं। अगर आपने देखा हो, BLF है, DLA है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, और उसके साथ फिर एक ऑपरेशन नेसेसिटी, ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्वेटा की कोर की बहुत ज़्यादा होती है। और आजकल ख़ासतौर पर ज़्यादा है कि बलूचिस्तान में फ्लड्स ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और उसमें 2 लाख तकरीबन एकड़ रकबा जो है वो फसलें खड़ी तबाह हो गई हैं, ब्रिजेज टूट गए हैं, सड़कें तबाह हो गई हैं। और इसी सिलसिले में जो हमारे जो पुराने शहीद कोर कमांडर हैं जंग सरपराज, वो अनटायरिंग एफर्ट कर रहे थे और एक एक जगह हेलीकॉप्टर विजिट कर रहे थे, क्योंकि हमारे ऑफिसर जो हैं द लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो हर जगह पर आगे होते हैं। और इसी सिलसिले में उछल आए हुए थे, जब वहाँ से टेकअप किया तो एक नागानी हादसा हो गया मौसम खराबी की वजह से और उनकी शहादत हुई और वो बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ा। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूँ तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है। और इसके तहत जो नए कोर कमांडर आ रहे हैं, वो एक बहुत ही मंजे हुए प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, जनरल आसिफ गफूर DGISPR भी रहे हैं, DGMO भी रहे हैं, और उसके बाद चीफ आर्मी स्टाफ के साथ वो हर जगह विजिट करते रहे थे DGISPR, जिसकी वजह से उनको काफ़ी पूरे मुल्क की आगाही है। और बलूचिस्तान में क्योंकि काफ़ी विजिट हुए हैं तो ही अंडरस्टैंड द इंप्लिकेशंस ऑफ बलूचिस्तान ऑल्सो, इसलिए बहुत अच्छी चॉइस है। दैट्स राइट, आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आसिफ गफूर साहब ने एज DGISPR जितनी कामयाबी समेटी और जितनी मकबूलियत हासिल की, वो शायद ही माजी में जो जितने भी लोग इस DGISPR के अहदे पर तैनात रहे उन्होंने हासिल की हो। लेकिन सवाल मैं ज़रूर चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर करूँ कि जो तीन रोज़ पहले एक सानिया हुआ जिसमें 6 हमारे फौजी अफसरान शहीद हुए और उसमें ऑफिसर लेवल के सीनियर ऑफिसर उसमें शामिल थे, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता था कि इतना बड़ा जो एक क्रैश हुआ ये ना होता? कोई स्टैंडर्ड्स, कोई SOPs तो डेफिनेटली होते होंगे, और स्पेशली जब इस लेवल की फ्लाइंग हो रही होती है, तो इस लेवल के ऑफिसर जब फ्लाई कर रहे होते हैं तो SOPs मज़ीद सख्त भी होती होंगी। और एडिंग टू दिस, जब ये हो गया तो क्या इसके ऊपर कोई ऐसी कॉन्क्रीट इंक्वायरी होगी कि आने वाले दिनों में जो लॉस हमें ऑलरेडी बेयर कर चुके हैं, अब मजीद इसके ऊपर हमें लॉसेस बेयर ना करना पड़े और आने वाले दिनों में हम जो अपनी माजी की गलतियां हैं या कोई कोताही हुई या कोई चूक हुई है उससे हम सबक हासिल कर सकें? देखें, जब एक फ्लाइंग मशीन है, चाहे वो एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर है, तो कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल अमाउंट के ज़रूर हादसा हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर अगर जो VIPs होते हैं, उनके जहाज ज़्यादा टेस्टेड होते हैं, एक्सपीरियंस पायलट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ आवर्स उन्हें फ्लाइंग भी की होती है, और उसके बाद हमारा एक बहुत ही सिलसिला है कि वो इसको अवॉइड कैसे करना है, इंसिडेंट क्यों हुआ, किसकी नेग्लिजेंस हुआ, यह वेदर फेलियर था, और उसके बाद इसको आइंदा के लिए हमने क्या इसको प्रिकॉशन लेनी है।
ये चाहे हमारा रोड एक्सीडेंट ट्रांसपोर्ट का हो या हमारा हेलीकॉप्टर का हो या एविएशन का, कोई भी हो, हमारे बड़े सेट प्रोसीजर है और एंड तक वो देखते हैं कि क्या इसमें मशीन का फेलियर था या मौसम खराबी थी या कोई और लैक ऑफ एक्सपीरियंस की थी पायलट की थी। तमाम को बड़े इंडिपेंडेंट तरीके से इंक्वायरी की जाती है और फिर उसकी रिकमेंडेशन पुटअप की जाती है कमांडर्स को, ताकि आइंदा के लिए ऐसा कोई हादसा ना हो और अगर कहीं कोताही की कहीं से भी थी तो उसको ठीक कर दिया जाए। और इसके साथ जो ही हादसा होता है इमिडिएटली सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, जिसमें हेलीकॉप्टर हमारे दो जाते हैं, एक डॉक्टर भी होते हैं, मेडिकल टीम, उसके बाद एक्सपर्ट जो अंडरस्टैंड करते हैं, वो पूरा स्कैन करते हैं, फिर जाके देखते हैं कहाँ हादसा हुआ, कि वहाँ इवन ग्राउंड से भी पता उनको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या वजह हो सकती है। तो आई थिंक इसके लिए बहुत एलेबरेट है और इस पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमारी मिलिट्री में नहीं किया जाता। और ये बात बिल्कुल यकीनी में कि हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है, इट्स नोन फॉर इट्स प्रोफेशनलिज्म और एक प्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से हमारी आर्मी वैसी मकबूल भी है। एंड वी रियली होप के आने वाले दिनों में इस तरह के मामलात ना ही देखे जाएं, क्योंकि ये जो लॉसेज होते हैं ये अनबेरेबल होते हैं और इररिप्लेसिबल लॉसेज होते हैं, लेकिन जो शहीद होते हैं वो यकीनी तौर पर हमेशा हमारे दरमियान रहते हैं और हमेशा हमारे दरमियान उनकी जो कारनामे हैं, उनकी जो कारकर्दगी, वो हमारे दरमियान पाई जाती है। लेकिन कमिंग बैक टू आसिफ गफूर साहब, ब्रिगेडियर साहब, अभी एक हमारे रीजनल में एक बड़ी चेंज आई है। हम देखा कि अफगानिस्तान में दो रोज़ पहले एक ड्रोन स्ट्राइक हुआ और उस ड्रोन स्ट्राइक के नतीजे में अमेरिका के बकौल जो उनका मोस्ट वॉन्टेड टारगेट था वो उन्होंने अचीव भी किया। उसके बाद जो ये पाकिस्तान का जो केपीके का एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया है, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, हाउ सेंसिटिव इट बिकम्स आफ्टर दिस इंसिडेंट? देखें, ये तो अमेरिकन अलकायदा के लिए दे वर ऑल हंट, और ये एमन अज़वारी का अगर आपको याद हो तो वो, क्योंकि आप उनका लीडर था और दे वर ऑलवेज आउट फॉर हंटिंग, और जब भी उनको मौका मिलेगा, जहाँ भी वो समझते हैं कि कोई ऐसे एलिमेंट जो अमेरिकन पब्लिक के लिए थ्रेट है, वो उसको एलिमिनेट करते हैं, ये उनका कानून बना दिया हुआ। सेकंड ये कि इसके लिए अफगान गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ये है कि उनकी रेट ऑफ गवर्नमेंट अब पूरे अफगानिस्तान में नहीं है, और जाहिर है कि जब वहाँ रह रहा था, वी डोंट नो कि ये अफगान तालिबान को पता था या नहीं पता था, अगर नहीं पता था तो उसकी बचवा जाहिर है कि जब रेट ऑफ गवर्नमेंट ना हो, फाइनेंशली स्टेबल गवर्नमेंट ना हो, पोलिटिकली इंक्लूसिव गवर्नमेंट ना हो, और जब तक वो फाइनेंशली ठीक नहीं होंगे, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, तो अपनी रेट कायम नहीं कर सके पूरे एरिया में, जाकर उनको मालूम नहीं होगा। इसलिए हम ये बात करते हैं कि अमेरिका की, नेटो की, यूरोप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रीबिल्ड करें, उनकी जो अफगान गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करें, स्टैंड दें, फ्रेंटली जो $9 बिलियन है वो वापस करें, ताकि वो अपना काम कर सकें। साथ अफगानी काफ़ी समझदार हो गए, मैं तकल में अंतरीब औरतों लड़कियों के लिए भी स्कूल की तालीम, जॉब का भी वो करने वाले हैं, टू सम टाइम बट देर डूइंग इट। लेकिन इसके साथ ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की बात की जाए, देखें ये मोस्ट लाइकली अटैक इज कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, किर्गिस्तान में उन्होंने अपना अड्डा रखा हुआ है और वहाँ पर उनका इंटरेस्ट है। ये मुझे शक पड़ता है कि उधर से ये लॉन्च हुआ और आया और आके इसने यहाँ पर किया, तो ये, लेकिन ये और भी अफगानिस्तान में हो सकते हैं जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट पसंद नहीं। ब्रिगेडियर साहब, आई थिंक ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैं चाहूंगा उसको जरूर एलैबोरेट कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं इंडियन मीडिया या एंटी पाकिस्तान जो मीडिया है वो इस बात की तरफ तमाम इंसिडेंट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वॉज पाकिस्तान एयर स्पेस वॉज यूज, या पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज करते हुए अटैक हुआ था या कहीं और से, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट इन दिस, मैं चाहूंगा इसको जरूर एलैबोरेट करें। और बिल्कुल देखें, देर इज नो क्वेश्चन, और ये आपका हमारा जो सटल जो इंडियन लॉबी है वो, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बातें चल रही, देर इज नो क्वेश्चन, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड एनी वन, इट इज सेंट्रल एशिया, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं बड़े मजे थे। यस, एक एयर स्पेस उनको दी हुई है ताकि लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, बट नॉट फॉर ऑपरेशन, तो मेरा अंदाज़ है, इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हकीकत भी नहीं है, और वहाँ से उन्होंने लॉन्च किया होगा और फिर उसके थ्रू उन्होंने ये नुकसान पहुँचाया और आगे भी पहुँचाएंगे। आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पता भी होगा जिनके इस्तेमाल किए, इवन अफगान गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि ये किस साइड से, कौन सी डायरेक्शन, कौन सी आई है, कैसे आई है, ये सारी चीज़ें होंगी। आई थिंक इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और हमें पाकिस्तानी को अपनी हुकूमत पर, अपनी मिलिट्री पर भरोसा होना चाहिए कि कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज। और ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान, बिकॉज ये जो तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं अफगानिस्तान में, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है एक आउटबर्स्ट होता है, वो कहीं पाकिस्तान उसका शिकार होता है,
इज इट लाइक पाकिस्तान कुछ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान का इसका किसी किस्म का रिएक्शन होता हुआ भी नजर नहीं आएगा, और जो वहां की जो मौजूदा लीडरशिप है वो इस तमाम तर सिचुएशन को सेंसिबली टैकल करती हुई नजर आएगी? देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और अफगान गवर्नमेंट की आपस में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, आई एम श्योर दे मस्ट हैव ऑलरेडी टॉक्ड एंड शेयर इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान अपने कंसर्न चुके होंगे, अफगान गवर्नमेंट ने भी किए होंगे, और इसके लिए आइंदा के लिए हमें कंसर्न है कि अफगान गवर्नमेंट किसी भी टेररिस्ट के लिए वो जगह इस्तेमाल ना हो जो उन्होंने प्रॉमिस भी किया हुआ कि हमारी सरजमीन से कोई भी टेररिस्ट ग्रुप जो है किसी कंट्री में ऑपरेट नहीं करेगा। वो जरूर वो हम उनसे टच पर रहते हैं, और अभी भी क्योंकि ये आपने देखा ईरान की तरफ से प्रॉब्लम काफ़ी होती हैं, BLA BLF ये लोग आते हैं, और कुछ अफगानिस्तान की तरफ से भी आ जाते हैं, फिर अफगान जो हमारे पर रिफ्यूजीज हैं 3 मिलियन उनमें भी काफ़ी बैठे हैं जो उनके साथ प्लांटेड हैं, इंडियन रॉक के साथ मिले हुए हैं, TPP के साथ ग्रुप बने हुए हैं, वो ऑपरेट करते हैं। इट्स अ मल्टीफेज प्रॉब्लम जिसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, और इंशाल्लाह मुझे जो उम्मीद है कि इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया जाए। ब्रिगेड साहब एक लास्ट कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि मौजूदा पाकिस्तान में जब देख रहे हैं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नजर आ रही है, आज भी इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो भी कहीं ना कहीं एक पेज पर नजर नहीं आती, जब ज्योग्राफिकली हमारे खित्ते में इतना कुछ हो रहा है और हमारे यहाँ अनसर्टनिटी इस हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वेयर वी स्टैंड राइट नाउ, क्या कोई इसमें पॉजिटिव निकलते हुए नजर आ रहे हैं आपको आने वाले दिनों में? देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं होगी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मुल्क इसी तरह प्रॉब्लम में दिन ब दिन आगे चलता जाएगा, और खुदा न खासा एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखें, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इज़ आउट ऑफ पॉलिटिक्स, ये सियासतदानों को चाहिए कि बैठे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए बजाय से टू विक्टमाइज PTI और एक और नया पोलराइजेशन मुल्क में ले आए, ही शुड इनवाइट PTI को और कहें जी आए हम तमाम इशू के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शन है चाहे वो इकॉनमी। लेकिन हो नहीं पा रहा ना ब्रिगेडियर साहब, हो नहीं पा रहा ना, इस वक्त अगर आप हुकूमत की तरफ से देखें तो गालिबन 2 दिन में 20 से 22 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की गई हैं विच इज ऑल टारगेटेड टुवर्ड्स PTI, ना उसमें हमने बलूचिस्तान का तस्करा देखा, ना उसमें फ्लड अफेक्टेड लोगों का तस्करा देखा, ना पाकिस्तान की इकोनॉमी का तस्करा देखा, ऑल इज फोकस टुवर्ड्स पॉलिटिक्स एंड एस अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इनफैक्ट जब हुकूमत आए और उसका इरादा सिर्फ एक हो कि हमने अपने आप को बचाना है, हमने अपने केसेस ख़त्म करने हैं, हमने NAP के ऑर्डिनेंस को चेंज करना है, हमने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कम करना है, हमने प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को कम करना है, हमने ओवरसीज वोटिंग राइट ख़त्म करनी है, हमने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ख़त्म करनी है, और आप आवाम को डिलीवर ना करें तो फिर उनके पास तमाम पॉलिटिकल मींस उनके पास है ही कोई नहीं। बट सर, गवर्नमेंट तो आपके सामने क्रेडिट ले रही है ना कि डॉलर देखें, हमने हमने हमारी मेजर से 10 रुपए की कदर में इजाफा हुआ, वो तो अपना इसको क्लेम करें, विक्ट्री को क्लेम करें इसको। 170-178 से लेके आप 245-250 पे चला जाओ, 10 रुपए कम करने इज नॉट अ बिग डील। द पॉइंट इज गवर्नमेंट शुड रियलाइज कि जो ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी ये डॉलर खुद ब खुद कंट्रोल होगा, और उसके साथ जब आई वर्ल्ड बैंक के साथ साइन हो गया माहिदा और आपको कुछ और मुल्क पे पैसा दे देते और स्टेबिलिटी आ जाएगी। बट आपने 4 महीने में आवाम को डिलीवर क्या किया है? क्या आपके पास सोल्यूशन था कि पाकिस्तान की आप PTI की हुकूमत गिरा के आप आएंगे तो आवाम को क्या रिलीफ देंगे? डॉलर कितना कम करेंगे, पेट्रोल डीजल कितना कम करेंगे, आवाम को रिलीफ कितना देंगे, आवाम में खुशहाली कितनी लेके आएंगे, ऑयल कुकिंग ऑयल की प्राइस कम करेंगे? क्या यू कुड डू एनीथिंग? अगर नहीं किया तो इसलिए अब उनके पास एक ही रास्ता है कि PTI को रास्ते से हटाओ, उसको विक्टमाइज करो। बट वी डोंट रियलाइज कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है कि जब भी आप किसी को दबाते हैं तो वो और स्ट्रांग होकर ये मर्ज करता है। आपने ANP को हटाया, उनको डिस्पेंड किया, वो ADP बन गया, उसके बाद वो फिर ANP बन गई है और उसी तरह चल रहे हैं। तो ये नहीं, ये दिस इज़ अ रॉन्ग पॉलिटिक्स। विक्टिमाइजेशन जिसको करेंगे वो और स्ट्रॉन्ग बन के निकलेंगे। ब्रिगेडियर, अब लास्ट कमेंट में चाहूंगा कि ये जो IMF के हवाले से इस वक्त खबरें आ रही हैं और इसी का एक इफेक्ट हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर में इजाफा भी हो रहा है, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक अगर आर्मी चीफ की इसमें इंटरवेंशन ना होती और वो अमेरिका आपको फोन ना करते और वो ये प्रेशराइज करने की दरख्वास्त ना करते कि IMF के साथ हमारे मामला को सीधा होना चाहिए, तो क्या मौजूदा गवर्नमेंट इस वक्त इस पोजिशन में थी कि इस विक्ट्री को जो आज क्लेम किया जा रहा है वो कर सकती? लेकिन अगर उन्होंने करना होता तो 4 महीने में कर लेते।
हर शर्त उन्होंने मान ली ना, वो इस पर ट्रस्ट करते हैं हुकूमत के ऊपर। इन्होंने जो नैप को ख़त्म किया तो उनकी एक और कंडीशन थी कि आप एंटी करप्शन का एक सेटअप ऑर्गेनाइज करें और वो डिसिप्लिन अकाउंटेबल कोई हो। लेकिन चीफ आर्मी स्टाफ तो हमेशा से ही वॉलंटरली करते हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत आई थी उस वक्त भी काफी डिप्लोमेटिक फॉरेन एक्सचेंज, इट वाज मलेशिया, इट वाज सऊदी अरेबिया, इट वाज कतर, एवरीवेयर सऊदी अरेबिया गए, चाइना भी गए, कपल ऑफ बिलियन डॉलर्स लेकर आए। और अभी भी इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने किया, ही इज ऑलवेज विलिंग टू, उनके पर्सनल रिलेशनशिप है इन तमाम मालिक के साथ, उन तमाम के मिलिट्री टू मिलिट्री, मिलिट्री सिविल लीडरशिप के साथ बहुत ताल्लुकात हैं। ये डन स्प्लेंडेड जॉब और बहुत मेहनत उन्होंने की है, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स के मुल्क के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की है, जो वो मिजरेबली फेल हो गए हैं और अभी एक नया ही फेल खेल रहे हैं, इससे मुल्क को एक बहुत बड़ी एनार्की और पोलराइजेशन की तरफ लेके जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यकीन तौर पर जो उन्होंने अपना तजिया पेश किया एज ए डिफेंस एनलिस्ट, एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट, ये जो मौजूदा सिनेरियो में जो कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, जो जियोग्राफिकली जो कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, यकीन तौर पर पाकिस्तान इस वक्त किसी भी मिस एडवेंचर का मुतामिल हो ही नहीं सकता। इस वक्त खित्ते में जो चीज़ें हो रही हैं, जो तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, इसका असर ना सिर्फ पाकिस्तान पर आएगा बल्कि खित्ते के ऊपर मैसिवली देखा जा सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान इन तमाम तब्दीलियों के लिए तैयार है, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान मौजूदा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल लीडरशिप का आपस में ना बैठना, इत्तेफाक ना होना और एक दूसरे के साथ टकराव की जो पॉलिटिक्स है उसको फ़रोग देना, यकीन तौर पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर नतीजे लाने में कामयाब हो ही नहीं सकती। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की तमाम तर सियासी और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर आके पाकिस्तान के बेहतर कल के लिए कोशिश करें, और ख़ासतौर पर जो माशी चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करें, जो इस वक्त जोग्राफिकल चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला किया जाए, इस वक्त इस बात की जरूरत है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और डॉलर और मईशत के हवाले से कुछ और गुफ्तगू है जो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि कहा बहुत कुछ जा रहा है, हो बहुत कुछ रहा है, और जो कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ दिखाया जा रहा है उसके ऊपर बात होनी चाहिए, और पसे पर्दा के हकायक जो क्या है उनके ऊपर ही बात होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।